हरे हरे हो और देखा कि नहीं मन में सब कुछ कर कट कट के तो गिरा दूर
बाबा हेलो बोली वीर
बजरंगबली की जय। बोलिए खेड़ापति मैया की, जगदम्बा मैया की, ग्राम की समस्त देवताओं की जय। बोलिए सब भक्तों की जय। बोलिए सब साधु संत मुनि महात्मा समस्त ब्राह्मणों की जय। हर हर नर्मदे Thank you.
पति महादेव की जय। जगतोष्म्यस्मान्यं महापुराणं व्यक्तत्वव्याख्यं श्रुण्यस्माप्नोति निवर्तते। महापुराण शिव पुराण को आप लोग सब श्रवण करने के लिए विराजमान हो चुके हैं। समस्त सज्जनबंधु सब लोग जब विराजमान हैं तो पहले मैं आप लोगों के बतला दूं आज का शिव पुराण का चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन है और चौथे दिन में आपकी उपस्थिति अच्छी होती जा रही है। हमारे ग्राम की शान जब ही है कि हम प्रसंगों को श्रवण करें। हमारे भाग की बात है कि हम प्रसंगों को याद रखें, प्रसंगों को सुने, ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों से सुने और सतरूपी पंथ रास्ता को अपनाएं। कुपंथ तो बहुत, आप जहां जाओगे वहीं आपको कुपंथ मिलेगा। कहीं झुंड गाने वाले का मिलेगा, कहीं जुआ वाले का मिलेगा, कहीं शराब वाले का मिलेगा, कहीं लड़ने वाले का मिलेगा, कहीं भिड़ने वाले का मिलेगा, कहीं चुगली करने वाले का मिलेगा, कहीं बेईमान का मिलेगा, कहीं डकैत का मिलेगा, कहीं डाकू का मिलेगा। कुपंथ तो बहुत, पश्चिमों सुपंथ केवल एक ही है। मानव जीवन में 5 चिन्ह होना चाहिए। कौन से चिन्ह? स्वर्ग स्थितानाम महजीव लोके चत्वारी चिन्हानि वसन्ति देहि दान प्रसंगो मधुराज वाणी दैवाचरण ब्राह्मणत्र परंच। पहला स्वर्ग ले जाने वाला सुपंथ जिसका नाम होता दान। दान सबसे बड़ा अच्छी चीज है। मनुष्य को दिन में 2 दान करना चाहिए। कैसे कहो गुरुजी अगर 2 दान लगो सोनो चांदी वाले आ जाए तो फिर हम क्या करके? नहीं है सब, एक मुट्ठी चावल या पिसी फेंक दो पक्षियों के लिए, एक दान हो गया। और दूसरा दान कहो कि साधु संत मुनि महात्मा की झोली में थोड़ा सा आटा डाल दो, 2 दान। हर घर में प्रेत यज्ञ होना चाहिए। पहली लोटी निकले गऊ को खिला दो, दूसरी रोटी निकले आप कुत्ता को खिला दो, तीसरी कौआ को खिला दो, चौथी अतिथि को खिला दो, पांचवी चिट्ठियों को खुआ दो, आपके घर में यज्ञ हो गया। ये यज्ञ की जरूरत नहीं, यज्ञ हो गया। और ज्यादा बड़ी नहीं, बड़ी रोटी बड़ी होनी थी। अरे छोटी सी रोटी बना लो, गद्दी बराबर, गिलास के 2 बराबर। दान प्रसंग, प्रसंग प्रतिदिन सुनिए। अगर आपको प्रसंग सुनना है, पंडित नहीं मिल रहे हैं, अपने मोड़ा पढ़े लिखे से कह दो बेटा मेरे लिए 1-5 दोहा रामायण की सुना दे। प्रसंग रामायण प्रसंग मधुराचे वाणी, मधुर वाणी बोलना सीखो। मधुर वाणी, वाणी 2 प्रकार की होती है। एक वाणी होती है कंठ की, एक होती है नाभि की। कंठ की बोली कारे कहां जा रहा है, और जय केलाल सज्जन नाभि से कह दो भैया जी आप कहां जा रहे हैं, तो सज्जनों वाणी मधुर वाणी। सज्जनों 2 रुपया की बांसुरी लो, मेला से होगी मेला के से 2 रुपया की बांसुरी लेना और बांसुरी बजाना और दूर खड़े होके सुना कहना तो भैया मैंने बांसुरी कैसे बजाई, ये अच्छी बजी है। और मैं गुस्सा में बजाऊ अकेला ने पूछो भैया कैसे बजाई, ये बात मधुर की मधुर बजी, हर के हर रब दे, इसलिए मधुराच बाबा मधुर वाणी बोल। दान प्रसंगो मधुराच वाणी दैवार जन्म, देवों की पूजन अर्चन बंधन जो आपके ग्राम के आसपास देवता हैं, इसलिए नहीं है कि आप खेड़ापति माता पानी नहीं गिर रहा और खेड़ापति माता पहुंच जाए। नहीं सजनों, पानी गिरे तो ना गिरे तो आप अपनी उपस्थिति माता जी के सामने दो, अपनी उपस्थिति मंदिर में दो, अपनी स्थिति अपने पूरे देवताओं में जाकर के एक बार घूमो तो देखिए 4 देवता पूजने के लायक होते हैं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता। आपके ग्राम में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और ब्राह्मण
पांचवी बात है ब्राह्मणम तर्पणंचो, ब्राह्मणों की सेवा कर। ब्राह्मण में कोई भी अवगुण हो उसको त्याग दो, केवल हमको सेवा करना है, पैर लागना है, पांव लागी करना है। पर ऐसी पांव लागी नहीं करे कैसी, बाहर गए हाथ में लोटा लेके बाहर गए, उनके गुरु जी पांव लागी, अब तुम्हें काम मिल है, गुरु जी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हार है, कह रहे पांव लागी गुरु जी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। और सजनों ज्यादा सी हो गई तो पांव पड़े तो सजनों उसी समय घूंटे के पांव पड़ रहे हैं, पांव लागी गुरु जी घूंटे से, अब घूंटे के पांव पड़े गुरु जी ने कही आशीर्वाद नहीं। सजनों ब्राह्मणों से तीन बार पांव लागी करो, प्रणाम करो। एक बार जब ब्राह्मण संध्या से उठ जाए, सवेरे की पूजा से उठ जाए जब प्रणाम करो, शाम की संध्या से उठ जाए जब प्रणाम करो, और जब ब्राह्मण के भोजन करा के आप जब ब्राह्मण डकार लेता भाई टेम पे पांव में गिर जाओ, जो चाहिए सो मिले, हर हर नर नर। ऐसा नहीं कि पांव लगी पांव लगी पांव लगी पांव लगी पांव में भाखो का है, पांव लगी कहो कछु कछु कह दे गुरु जी पांव लागे, पांव लागे गुरु जी, तो सजनों गुरु जी पांव लागे, हर हर नर नर, कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है ब्राह्मण तर्पणचो, सच्ची आत्मा से ब्राह्मण को प्रणाम भी ना करें तो आत्मा में प्रणाम कर ले तो वो भी प्रणाम हो जाता है। योगाम चाम अष्टाम यस्यम चाम पूज्यते, ब्राह्मण को बड़ा समझ करके मत पूजो, ब्राह्मण को छोटा समझ करके भी अगर पूजो तो आपके यहाँ पर जो भी वृष्ट दुख है वो सब शांत हो जाएगा। तो आइए नेमी साल महातीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं, दोनों हाथों का अनुरोध करते हुए श्री वैश्यपायन महाराज से पूछते हैं, महाराज हमारे लिए आप लगातार शिव कथा सुनाते जा रहे हैं और हमारे लिए बड़ा आनंद आ रहा है, आज भी हम इच्छुक हैं कि सती के जल जाने के बाद दक्ष को बकरा का सिर लग जाने के बाद क्या हुआ सो बताने की कृपा करें, हर हर नर्मदे। पहले आप लोग भगवान का भजन करें, इसके बाद में कथा श्रवण करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम बोलिए, श्री राम जय राम, जय Thank you.
बेटा तन के खिलौना बनेगा गागने की खाल बोले मन भाई है की खाल को ओढ़ते हैं जोगी जटी छेरी की हो खाल थोड़ो पानी भरे लाई है शामल की खाल को पहनते सिपाही लोग जैने की खाल राजा राम रे मन भाई महादेवी की जय शिव शंकर महाजगदीश्वर ईश्वर जगदाधार प्राण के आधार श्री शंकर भगवान की जय। आइए संगातम देहु स्त्रांसी मृतापई शोधी देव करा भगवान शंकर शिव कथा श्रवण करने के लिए आप विराजमान हैं और शोर गुल करने के लिए सज्जनों थोड़ा समा प्रार्थी है शोरगुल ना हो क्योंकि कथा का अनुराग जो होता है वो मूख होके होता है। भगवान की जयकार अच्छी जम के बोलो अच्छी जम के बोलो और कथा भगवान की बिल्कुल बोरा बन के सुनो कि तुम बोरा हो बोलते नहीं बने। सजनों रामां कृतक यस्य योग्यम चाम वरिष्ठः राम की कृति रूपी चरित्र को श्रवण करने में हमारे ऊपर उसको उतारने के लिए हमको कथा सुनते सुनते विचार करना पड़ता है। आप किसकी कथा सुन रहे हैं? शिव की। शिव की कथा क्या है? अमर कथा है। कैसा अमर करता आदि जनता है तो मरता तो है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बदे जंजी एक दिन ऐसो आए गो को नाए घर की नारी दूर है कि तन की नारी है। जाना तो पड़े पर प्रमाण मिला है सर शिव पुराण से प्रमाण मिला है स्कंद पुराण से प्रमाण मिला है कि जो शिव की कथा को मनोरथ रूप से सुनता है मन लगा करके सुनता है स्मृति से सुनता है श्रेय से सुनता है भावता से सुनता है
सज्जनों वो मर तो जाता है पर उसके हृदय की अंदर गाथा अमर होती है। उस अमर गाथा के द्वारा उसका दुरुपयोग नहीं होता, दुष्प्रयोग नहीं होता। वो जाता है तो अच्छी योनि में जाता है। तो शिव की जो कथा है वो व्यस्त पायन जी महाराज सुनाते हैं। ऋषियों राजा दक्ष की समाप्त हो जाने पर भगवान शंकर की अनुपम कृपा पर बकरे का मुख लगा करके उसको राजा बना दिया। और सजनों समय आने पर हमारी संस्कृति में 43 करोड़ 20 लाख के इस कल्प में एक राजा होते हैं जिन राजा का नाम हिमांचल होता है। हिमांचल राजा जो हैं वो सज्जन बंधु अति अनुरोध करने पर ही वह राजा का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। हिमांचल राजा का पाणिग्रह सुंदर वैवस्त नामक राजा की पुत्री श्री मैना के साथ में हो गया। सजनों क्या नाम है, मैंने उस दिन बताया था, इसका नाम जो संग हिमालय की जो पत्नी है उसका नाम मैना है। मैना संधि विग्रह कर दो इसकी, मैं अलग कर दो ना अलग कर दो। जो अभिमान से दूर रहने वाली हो उसका नाम मैना है। सज्जनों सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला कौन से कहते हैं, जो सुखों को त्याग करके शीलता को धारण करती हो, अपने पति की अनुराग और धन में अपना गुजारा करती हो और जिसी समय से महावर्षता के महान दुखों का सहन करते हुए अपने जीवन को पाल लगाती, उसका नाम सुशीला होता है। यथा राम तथा गुण, नाम तो अच्छा है। एक जगह चार लोग थे, प्यासे थे, एक नल पर पानी पीने के लिए चले गए। तो नल पर जब पानी पीने लगे तो कुछ बाइयां वहां पर खड़ी थी, उन्होंने अपने बर्तनों को धोया, फिर पानी फेंका, फिर धोया, फिर पानी फेंका। चार जनों ने प्रार्थना की, बाई तुम जरा पानी जल्दी भर लो, हम पानी पीना चाहते हैं। कहा सुनो अभी हमारा पानी एक घंटे में भराएगा, तुम तब खड़े रहो जब जब। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है देवी हो, एक ने कहा गंगा, एक का नाम जमुना, एक का नाम नर्मदा, एक का नाम सरस्वती। तो उन्होंने कहा भाई जब तो आप नल पे पानी भरवे पिलाने आई हो, नहीं तो ऐसा तुम्हारा ना होता तो कभी पानी भरने नहीं आ पाती। तो सजनों नाम तो अच्छे होते पर जैसा नाम होता है वैसा गुण होना चाहिए। हिमांचल की प्रिय पत्नी का नाम मैना है। मैना मैं कुछ नहीं हूं। उस मैना ने अर्धांगता में श्री हिमांचल राजा को पति के रूप में प्राप्त किया। सजनों अर्धांगनी का दर्जा कब पाते ये भी प्रमाण कर लें। देवी पुराण में लिखा है प्रथमम शैल पुत्री जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कूष्मांडे थी चतुर्थकम पंचकम स्कंद माते थी षष्ठम कात्यायनी चो सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रवक्ता 9 वर्ष की बेटी दुर्गा होती है। बिल्कुल साक्षात दुर्गा है। और 10 साल की बेटी रोहिणी होती है। 11 साल की लड़की सुभद्रा होती है। पहले छोटे समय में बेटी का विवाह कर देते थे, इसलिए बेटी का विवाह जब हुआ तो पति के बगल में जब बैठती थी उसका नाम अर्धांगनी होता था और जब अग्नि के चक्कर लगाए जाते थे तो उसका नाम अर्धांगनी हो जाता था और पति के साथ में जब वो ससुराल जाती थी
एकदम सुभान देने के लिए सजड़ो धर्म पत्नी के सास की सेवा ससुर की सेवा धर्म पत्नी का दर्जा पाना बहुत कठिन है। धर्मम धारणम समात योग्यम चाम पत्नी उपचाम योग्यता योग्यता के ऊपर उसके धर्म कर्म के ऊपर नीति और स्वभाव के ऊपर चरित्र के ऊपर वह धर्म पत्नी कहलाती थी। सज्जन मंदो और जिसकी गाथा हमारे वेद व्यासों में अनुसुईया जैसों का वर्णन किया गया एक बार दोनों हाथों को जोड़ करके श्री मैना ने हिमाचल राजा से प्रार्थना की। स्वामी पति बिन सूनी मांग है पुत्र बिन है घर सूना और दो मुक्ति के मार्ग है कि दुई बिन है दुख दूना। पति नहीं है तो नारी की मांग सूनी होती है और अगर पुत्र नहीं होता है तो घर सूना होता है। इसलिए मेरा निवेदन है किसी ऋषि से किसी मुनि से महात्मा से मिल करके इस प्रकार का आशीर्वाद लो ताकि इस महान महल में एक बेटे की पुकार जरूर होना चाहिए रुदन जरूर होना चाहिए। हिमाचल राजा ने उसी समय श्री नारद जी का ध्यान किया। नारद जी का जैसे ही ध्यान किया नारद जी उसी समय चटकारा बजाते हुए हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद माधव Yeah.
का ध्यान किया, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो क्या हुआ, उसी समय श्री हिमाचल राजा ने मैना ने चरण बिंदों में प्रणाम किया, आरती सजाई, आरती किया, बंधन किया, सुंदर आसन दी और बिठा दिया। कभी भी हो सज्जनों, संतों से तीन चीजों से बरतना चाहिए, जिसको संत कहते हैं, एक तो आसन का ध्यान रखें संत का, दूसरा सम्मान का ध्यान रखें, तीसरा वाणी का। आसन कैसी थे, अगर आपके घर में संत आ गया, पंडित आ गया, गुरु जी आइए सोफा सेट पे बैठे, नहीं सजनो, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, मुनि और महात्मा के लिए, ब्राह्मण के लिए सोफा सेट नहीं है, इनकी आसन ही अलग। अगर प्रणाम नारियां करने जाए तो हाथ में अलगाना लगाए, प्रणाम करें संत का, दूर से करें, साधु का, संत का, मुनि का, महात्मा का। अगर तुम सम्मान करना चाहते हो माताओं, तो कभी अपने घर के परिवार के सबके पैर जब पड़ो तो हाथ अगर अलगा लगा करके करो, परंतु साधु संत मुनि महात्माओं के जब प्रणाम करो तो अलगा मत लगाओ, पुराण के पुराण में अलगा मत लगाओ, सीधा प्रणाम करो, हाथों से प्रणाम करो। जय 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 बैठिए। वाणी कैसी बोले, संत से अगर वाणी बोले तो तोतली भाषा में बोले, अपने स्वभाव को बदल करके बोले, संत मुनि महात्मा उसी समय प्रसन्न होगा, देगा तो कुछ नहीं पर कहके चला जाएगा। सजनों, जो कहके चला गया है वही तुम्हारे घर में परिपूर्णता धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने सुंदर आश्रम पर बैठ करके और हिमाचल राजा से पूछा, राजन आपकी खुशहाली देख करके, आपका वैभव देख करके, आपकी दुनिया देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं, पर आपकी नारी का जो आदर सम्मान जो मैंने देखा उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। दूसरी बात मैं ये चाह रहा हूं, मुझे इस मौके पर आपने बुलाया है तो उसका कारण क्या है। अगर साधु संत मुनि महात्मा देवता के लिए अगर बुलाया जब जाता है तो उसका कारण रहता है, कारण। और सजनों, कारण को छिपाना नहीं चाहिए, जो कारण है वह बता देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। मौका से मौका मिला, मौका आया हाथ, मौका से मौका मिला, मौका आया हाथ, और मौके पे चूके नहीं मौके वाली बात। कभी भी हो कारण को छिपाना नहीं चाहिए, स्पष्टीकरण श्री संत के सामने बताना चाहिए। नारद जी से कहा, महाराज नमो नारायण, मेरे घर में राज पाठ धन और धाम सोना और चांदी हीरा मोती वैभव बहुत है, पर मैं ये चाह रहा हूं आपकी कृपा से संसोद्यम मान्य यशोदमान्य जिन्यासी पश्यम यस्यम मलम चामलोकोयम पीड्यते। चहु दिशाओं में मेरी कीर्ति, समस्त संसार में वैभव और सुख का मैं आनंद ले रहा हूं, पर महाराज मेरा घर तुमको कैसा लग रहा है, मेरा घर कैसे लग रहा है आपका, वो बताइए आप कैसा लग रहा है। आपकी आंखों से देखो, दृष्टवान ततो दृष्टवान, दृष्टि से देखो कैसा लग रहा है।
तो नारद जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारा घर सूना सूना लग रहा है। सजनों, जिसको पुत्र कहते हैं, जिसको संतान कहते हैं, जिसके वैभव काल में माता और पिता अपने जीवन को बिताते हैं, उससे कमी स्त्री हिमाचल राजा के घर पर थी। तो राजा से श्री नारद जी ने सुंदर बखान किया, राजन इन चीजों को ना पाकर के उदास नहीं होना चाहिए, एक कर्म की छाया है, सत्कर्म की छाया है। जो संतान आप चाहते हो तो संतान ऐसी नहीं है, संतान अपने सत्कर्म की ही छाया है। आपने देखा होगा रामायण में, आपने पढ़ा होगा कि जिस समय भगवान राम के जन्म पर सब लोग दर्शन करने के लिए आए तो दशरथ जी के विषय में लिखा है, सर्वस दान दीन सब काहू और जही पावा राखा नहीं ताऊ। जिंदगी का दान राम रूप बन करके आया है, दशरथ की गोदी से दूसरे की, तीसरे की, चौथे पर लौट करके आ गया। सजनों, हमारे दान और सत्कर्म की ही कीमत है हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। तो राजन चिंता नहीं करना चाहिए। और एक और भी, एक ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण ने विचार किया कल अमावस्या है, आज ही मैं किसी गांव में जाकर के रुक जाऊं और चतुर्दशी के दिन जब जाऊंगा तो अमावस्या में सुबह स्नान ध्यान से उठ करके मैं हर घर की भिक्षा ले लूंगा। तो सजनों, ब्राह्मण के 5 दिन बड़े खराब होते हैं, ध्यान रखना। ब्राह्मण के 5 दिन बड़े खराब होते हैं। हम जब पाठशाला में भर्ती होते हैं तो हमको गुरुजी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कहा बेटा ध्यान रखना, कहा अष्टमी गुरु हंसी, अष्टमी को अगर हम गुरुजी से पाठ लेते हैं तो गुरु की उम्र की हानि होती है। अष्टमी च गुरु हंति शिष्य हंति चतुर्दशी, शिष्य अगर जबरदस्ती सिर्फ के शिष्य के लिए, अगर गुरु जी अगर चाहे कि हम शिष्य को सबक दे रहे तो शिष्य की उम्र की हानि होती है। अष्टमी च गुरु हंति शिष्य हंति चतुर्दशी, अमा पूर्णिमा देव हंति, अमावस्या और पूर्णिमा पर अगर हम पाठ पढ़ते हैं तो हमारे देवताओं की उम्र की हानि होती है। और परमा पाठ विनाशनी, अगर परमा को किताब भी अगर छू ली जाए तो सज्जनों जितना तुमने सीखा है उतना सब समाप्त हो जाता है, परमा पाठ विनाशनी। पर सज्जनों करें क्या, पेट के पीछे हम लोग परमा से ही पाठ चालू करते हैं, दुर्गा पाठ, और सज्जनों अमावस्या को सता सत्यनारायण कथा करते हैं और अष्टमी पे श्री भगवान के नरा को काटते हैं गोली वृंदावन बिहारी भाई की। दुर्भाग्य, भाग्य तो ठीक है पर दुर्भाग्य कि गुरु की दी हुई शिक्षा को भी हम लोग नहीं मानते। सजनों, वो 14 में रहा और सवेरे अमावस्या में उसने झोली उठाई और मांगने के लिए चला। जब मांगने के लिए चला तो एक घर में जाकर के पहुंचा और कहा भिक्षा दे ही। उस घर की बाई उठी थी हाथ में और छुई जो होती उसको घोरे थी, पोतना हाथ में रखे थे। पंडित जी ने कहा भिक्षा दे ही, उसी समय उसने पोतना उठाया जो दिया तो पंडित जी की छाती में लगा। पंडित जी ने सोचा कि हो गई भिक्षा, पर करना क्या चाहिए, ब्राह्मण के लिए बताया गया है संतुष्टो यस्यम निष्प्रिया, जिसको किसी प्रकार का डर ना होकर के संतोषी को धारण करे वो ब्राह्मण। बड़ा सुंदर ब्राह्मण था,
उस पोतरे को उठाया और पोतरे को उठा करके भिक्षा नहीं मांगी, सीधा पहुंचा गंगा में, गंगा में पोतरा को धोया और धोकर के उसकी बत्ती बनाई और विश्वेश्वर महाराज की आरती की, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम। और जब आरती की बत्तियां जब खत्म होने लगी तो बड़े प्रेम से कहता है, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारी बहुत आरती करी है, पर ये जानना कि ये आरती किस चीज की है। भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहिए तुझे? कहा, मुझे नहीं चाहिए, जिस माता ने मुझे पोतना दिया है उसको एक पोता जरूर देना। देखिए सजनों, पोतना उसकी छाती में लगा, मांग क्या रहा है, उसके लिए एक पुत्र देना। पर सजनों, समय आने पर उसको एक पुत्र भी दे दिया। अब याद रखिए, कथा का अनुसरण करिए। बताया गया है, यथा योग्यम करणीम चाम भरणीम, जो करते हो वही भरना भरते हो। पुत्र तो दे दिया, पर जैसा उसने क्रोध में दिया था ऐसे क्रोध वाला पुत्र पैदा हो गया। यहां वहां से आए, बाई पैसा जेवर जे और वो सब ले, और अगर ना दे तो माता राम की पिटन सुटन भी चालू कर। एक दिन आया, माता राम की नारी जब बहुत मारी तो माता राम आंगन में रो रही थी, वहां से पत नारी निकली। नारी ने कहा, क्यों रो रही हो? कहा, कर्म की बात यह है कि मेरे लड़का ने ही मुझे मारा। कहा, भाई एक बात बताओ, बात बताना पड़ेगा कि जब तुमने उस बाबा को पोतना मारा था उसके बाद का है कि पहले का है? ये पुत्र जो हुआ है, पोतना मारा था उसके बाद हुआ है कि पहले ही था? तो उसी समय उसने कहा, जी तो पोतना तो मैंने 2 साल पहले मारा था, इसके बाद का है? तो कहा, सुन, पोता के बदले और पोता के नहीं द्वार, और जो कहीं देती प्रेम से तो होते ध्रुव प्रहलाद। बोलिए उमा प्रतिभा देवी की। इसी पोतना को तूने क्रोध में दिया था तो क्रोध रूपी पुत्र ले लिया। इसी पोतना को अगर तुम प्रेम से दे देती तो तेरे घर में ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो जाते। कई लोग हमसे कहते, गुरु जी पत्र देखियो। हम की हाँ देखे। कई एक मोड़ा था बोलो अच्छो, और एक मोड़ा तो बड़ो कुकर्मी है। हमने की, माता राम जो एक मोड़ा है नहीं वो तुम्हें धर्म कर्म को है, और जो एक मोड़ा बिगड़ गो नहीं, जो जाको है कि तुमने अच्छे कर्म नहीं करे, इसका एक पुत्र है। क्योंकि काहु नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। दूसरे के ऊपर मत दो, भगवान पर दोष मत दो, ब्राह्मण पर दोष मत दो। जिस प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं, संचित कर्मों का अनुसरण करने पर उसी प्रकार का हमारे लिए फल मिल जाता है। तो नारद जी ने कहा, चिंता करना है नहीं, राजा हिमाचल, चिंता करना है नहीं, और चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगी जो होना हो तब। हमारी बात मानो। कहा, क्या मानो? कहा, राज को छोड़ दो, पाठ को छोड़ दो, धनधान को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो, क्या करो? कहा, तो अपनी पत्नी के साथ में जंगलों में जाओ, और जंगलों में जाकर के श्री महादेवी दुर्गा भवानी का ध्यान करो। सज्जनों, भगवान का ध्यान नहीं कहा, दुर्गा भवानी का ध्यान करो। क्यों? खंगम चक्र गदेशु चा भूषणिम शिरा शंकम कर्षणेनाम सर्वांग भूषामृताम नीलाश्लुषिमादस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सोपते हरौजो मधुकैटभम। हमेशा वह महादेवी हमारे दुख के लिए दूर करती है, कुछ चाहती है। या देवी सर्वरूपेषु शक्ति रूपेण संसिदाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह शक्ति की स्वरूप है,
कष्ट को हरती है, कष्ट का निवारण करती है और जो कुछ कुछ मांगता है उसको वो देती है। मोरे मनोरथ जानत श्री सीता जी ने कहा, माला डालते हुए कहा, उस पुष्पाटिका में कहा, मोर मनोरथ मेरे हृदय का मनोरथ जान करके हे महादेवी वो पूर्ण कर दे, तो महादेवी ही इस काम को पूर्ण करती है। एक बात और याद रखना, भगवान के दरबार पर मंगल नहीं है, शंकर जी के दरबार पर मंदिर नहीं, मंगल नहीं है। संसार में अगर मंगल है तो केवल कहां है? मंगल अगर है, मंगल आने आनंद जहां है, कहां है? जान गौरी अनुकूल सियही हरसिन जाई कही, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कल लगे। ये मंगल की मूर्ति है, इसलिए कवियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, मंगलम सर्व मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंगल की खाना सजनों। इसी प्रकार से शिक्षा देकर के श्री हिमाचल राजा और मैना के लिए जंगलों में श्री महादेवी की भक्ति करने के लिए भेजा गया। पर सज्जन मित्रों याद रखना, अगर तुम तीर्थों में जाओ, अगर आप कहीं देवताओं के पास में जाओ या तप करने जाओ तो बड़े विचार से जाओ। आज के जमाने में होता है सज्जन, बुरा ना लगे आप लोगों को, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, अपन तो पास ही पास के। खबर भेजा दी, फलाने गांव वाले भैया आप आ जाना। कहा क्यों? काम परसों के दिन हरिद्वार जा रहे हैं, तीर्थों जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, पुटरिया बांध के रख दी आंगन में। और उसी समय जब जाल लगे तो सबसे कह रहे, भैया ध्यान रखियो मेरे मोड़ा को, ध्यान रखियो मोड़ा तू जमीन को, ध्यान रखिए जब मोड़ा तू मेहतारी को, ध्यान रखिए। और भाई शाम पर रोल लगे, जा तो रहे पर रोल लगे। तो सज्जन मित्रों ध्यान करो, मन से तीर्थाटन होता है, मन तो आपका रोने वाला घर पर रह गया, हुआ किस लिए जा रहे हो? और कहूं वहीं चले गए हरिद्वार में भगवान के दर्शन करने लगे, और कहूं बादल देख लो कि अरे भैया सुन तो रे की कहा कि बादल तो बड़ो कर रो, कहूं जो तो ऊरे को बादल है भगवान से कहने लगे प्रभु, और कहूं कि राधा ये मन हमारे गाँव मत कर रही, हमारे घर मत बने और गाँव में करा रही। तो बोलो सजनों क्या फल मिलेगा? तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे सजनों जो दूसरे के लिए आप बुरा सोचते हो उसके लिए अपने ऊपर उतारिए कि प्रभु अगर बुरा हो तो मेरा हो, पर सामने वाले का बुरा ना। एक ध्यान और करें, अगर तीर्थों के लिए अगर जाए तो चार चीजें लेके जाए। एक तो आसन लेके जाए, दूसरा बर्तन लेके जाए, तीसरा मंत्र लेकर के जाए, चौथा निडर होकर के जाए। आसन और बसर, आसन जो होती है वो शुद्ध ऊन की आसन तीर्थों में अगर जब जाए, क्योंकि आसन में सजग में एक दिन बता चुका हूं, पत्थर की आसन पर बैठकर के भजन करोगे तो तुम्हारे घर में नाना प्रकार के क्लेश आएंगे। और सज्जन मित्रों अगर तुम कपड़ा की आसन पर बैठोगे तो दुख आएंगे। और सज्जनों अगर तुम लकड़ी की आसन पर बैठकर के भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सज्जन मित्रों धन की वृद्धि नहीं होगी, हर हर नरनारी कभी भी हो, शुद्ध बोरा होता है, बोरा उसकी आसन लगा दो, शुद्ध पंचपात्री आती है। माताएं आजकल सब कुछ घर में होते हुए भी ता स्टील का लोटा लेके चली जाती है, देवी पे जल चढ़ा रही। अरे सज्जनों अपने घर में लड़ पड़ो कि हमें बर्तन चाहिए तो तांबे को चाहिए। याद रखिए मैंने उस दिन बताया था, पांव से बचा हुआ जल, पांव धो लिया और पानी बचा कुल्ला कर लिया, अब कुत्ते की पेशाब के बराबर होता है, वैभव नष्ट हो जाए।
अगर संजरो हाथ में चंदन घोरा और चंदन घोर करके देवी को लगा दिया, देवतों को लगा दिया, आजकल जी भाईचारे क्या करती, गागोटी रखे रहती है और जाकर माता के सामने पहुंची, तंदर से पानी डालो, घोरी घाई लगाई जैसे आपने लगा और दूध लगाई जैसे, हाथ का घोरा हुआ चंदन भगवान को अर्पित करने पर सजरो धन की कमी होती है। याद रखो भगवान विष्णु पर चावल मत चढ़ाओ, गणेश जी के लिए तुलसी का जल मत दो, उसी समय श्री सूर्य नारायण के लिए बेलपत्र मत दो, दुर्गा जी के लिए दूबा मत दो, इन चीजों से बचो जब ही पूजन पाठ में फल मिलता है। याद रखो सजनों, आज मैं इस बात के लिए इसलिए बता रहा हूं कि हमारे हिमाचल राजा जो है वो तप करने जा रहे, जब करने नहीं जा रहे, तब करने जा रहे। सुंदर जगह देखी, सुंदर महागंडकी नदी के किनारे महास्थली के ऊपर दोनों हाथों को जोड़ करके मैना से प्रार्थना करते हैं श्री हिमाचल, और मैना प्रार्थना करती हिमाचल से, स्वामी जी जितने दिन के लिए हम इस महान तप में बैठ रहे हैं उतने दिन के लिए भोजन फलाद ये सब त्याग, उस दिन के लिए सुख संप्रति सब त्याग, सुख जो है सब त्याग, सुख संप्रति संसार की सर्व वस्तुएं जो सुख की होती है वो त्यागना पड़ेगा, जब तक पूर्ण होगा उसी समय संकल्प होता है और संकल्प होने के बाद आसन बिछती है और आसन के ऊपर मैना और हिमाचल दोनों बैठ जाते हैं। बड़ा ए पानी बंद कर, अबे कोई प्यास ही नहीं है, बीच में छुट्टी नहीं, जब पानी दी हर हर नरभर। सज्जन बंधु विचार करिए, हमारे महापुराण में रामायण में जो तप किया है ना वो कितना किया है, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष की तपस्या चल रही है। आज के जमाने में अगर हम दो घंटा के लिए अगर बिठा लें आपको पुराण में, तो सज्जन बंधु विचार करते कब पुराण बंद हो जाए और कब हम आरती और कब निकल जाए। हर हाल नरवरे सुखम शांति योग्यम शाम नहा, सुख और शांति निर्वृत्ति ये तीन चीजों का पुजारी माना हो चुका है। सुख भी मिले, धर्म से शांति भी मिले, शरीर भी हमारा अच्छा रहे, इष्ट रहे, पुष्ट रहे, बीमारियों में लुप्त ना हो, ये तीन चीजें चाहते हैं। पर सजनों ये तीन चीजें तुम्हारे बस की नहीं है, रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, सभी विचार कहे तुलसी श्री राम बिना सब जीव दुखारी, ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। ये तुम्हारे बस का क्या है, मानव से मानवता धारण करना तुम्हारे बस का है, और मानव से दानवता को धारण करना तुम्हारा काम। मानव दानव भी बन सकता है, मानव मानवता को भी बन सकता है। तो सज्जन बंधु संकल्प किया और उसी समय महादेवी का ओम श्री ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम जपते सुनाया, सुंदर महादेवी के मंत्र का उपार्जन किया। महामंत्र जपते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। यहां न मन उठने का मैना का है और न यहां न मन श्री हिमाचल का है। नारद जी उसी समय आए और नारद जी ने आकर के और श्री देवी महादेवी दुर्गा भवानी की प्रार्थना, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हे महादुर्गा, तुम्हारे तप
तब करते करते राजा हिमाचल को मैना को बहुत समय हो गया। अब तुम जाकर के उनको जागृत करते हुए उनके मन में जो चाहना है उसे वरदान के लिए दे दे। देहस्य मबदेने वो ज्योतिर्याम चाम मना। महादेवी ने मना कर दिया, दुर्गा भवानी ने मना कर दिया। मैं किसी से ना जप करवाती ना तप करवाती। देवी ने कहा फिर क्या कराती? कहया देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सजनों, माता दुर्गा भवानी का ना कोई जप करे ना तप करे ना पूजा करे ना पाठ करे, केवल दोनों हाथों को जोड़ करके कहे शरण याचे अंतम सेवको अनुग्रहीताम, इतने में देवी सुनती है। हमारे दुर्गा सरस्वती में लिखा है रोगान शेषान पहिंसि तुष्टा। पंडित जी ठीक है ना? रोगान शेषान पहिंसि तुष्टा रुष्टा सुकामान सकलान भीष्टन। वह देवी हाथ जोड़ने पर समस्त रोगों को नष्ट कर देती है। और सज्जन बिंदु, अगर थोड़ा सा तुष्टा रुष्टा अगर रुष्ट हो जाती है तो याद रखिए समस्त रोगों को भर देती है। सज्जन बिंदु जरा ध्यान देना, हमारी खेड़ापति माता गांव के बाहर क्यों है? अच्छा, एक बात और ख्याल करना, डीपी जो होती है ना, डीपी बिजली की, वो बाहर क्यों होती है? सज्जनों, इसलिए होती है कि उसमें तीन फेस है, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से महादेवी के पास तीन फेस हैं, एक है रोग का, एक है दोष का, एक है सुख का। महादेवी अगर प्रसन्न हो जाती है तो लाखों गांव के बाहर रोग खड़ा रहता है, भीतर नहीं आ सकता, रोग बाहर खड़ा है। देवी से पूछता है, महादेवी तुम्हारी सेवा कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है, तू हमारे गांव में नहीं जा सकता। और देवी ने कहीं कह दिया कि मेरी सेवा में तो बहुत अंतर है, चला जा तो दो दिन के लिए आएगा, लाखों रुपया बर्बाद कर देगा, हर हर नर नर। रोगान से सारी पहसी तुष्टा रुष्टा सुकामान सकलान भीष्टान। इसलिए सजनों, हमेशा ध्यान रखो कि चाहे माता पिता के पैर ना पड़ पाओ पर देवी जी के पैर पड़ने जरूर जाओ। उसकी कृपा से रोग दोष सब भूषण भागु। संसार का जितना भी दोष है, रोग है, विपत्ति है, दुख है, वो सब दूर हो जाता है। इसलिए सजनों कहा गया है, सर्वशक्ति महामाया। क्या कहा गया है? सर्वशक्ति महामाया दिव्य हो ज्ञान सर्वोपिणी, दुर्गा क्षमा शिवा माता स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यशवंतम विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जलंधु रूपम देहि दयाम देहि यशो देहि दुसो जहि। We'll be right back.
क्या देती है? जरा ध्यान दीजिए, सर्वशक्ति। सर्वशक्ति, सर्वशक्ति का मतलब क्या होता है? कान तुम्हें पर सुना नहीं रहा है तो कानों में शक्ति देती है। पांव तो है पर रिंगते नहीं बन रहा, पांव में देती है रिंगते। सजनों भोजन तो खूब खा रहे पर पच नहीं रहा तो सजनों पचाने की शक्ति देती है। नींद की शक्ति देती है। सर्वशक्ति महामाया, वो महामाया सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्ति प्रदान करती है। और क्या देती है? सर्वशक्ति महामाया। महामाया, महामाया क्या होता है सज्जनों? माया तो ऐसी है, माया तो ठगनी भाई। माया का मतलब ये 20,000 का सोयाबीन बेचा या राहर बेची और सज्जनों बेच करके आए, घर पर कह दिया बैंक से बुला हुआ आया है तो 10,000 घर के ओर चले गए, जो माया है। पर महामाया देती है, वो महामाया। महामाया क्या है? आपके घर में सज्जन बिंदु रिद्धि और सिद्धि के द्वारा, रिद्धि और सिद्धि के द्वारा जो आपका घर चल रहा है, जो आपका जीवन चल रहा है, जो आपकी खुराक पानी चल रही है, वो है महामाया। आपके घर का पूरा कार्य संभाले हुए है वो महामाया। और दिव्य ज्ञान स्वरूपणी, दिव्य ज्ञान, ज्ञान तो कई प्रकार के होते हैं। छटा हुआ ज्ञान जो तुम्हारे काम में पड़े, जिससे तुम्हारी संतान सुधरे, जिससे तुम्हारा जीवन सुधरे, वैसा दिव्य ज्ञान महादेवी के दरबार पर मिलता है। और क्या मिलता है? विद्यावंतम। विद्या चाहने वालों को विद्या मिलती है। विद्यावंतम, लक्ष्मीवंतम। जिसके लिए लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी मिलता है। यशवंतम, जिसको अपनी जिंदगी में यश चाहिए, वो भी दरबार पर मिलता है। सज्जन बंधु, वह महादेवी की दरबार पर सब मिलता है। पर आज के जमाने में एक माता राम ने, माता खेड़ापति माता पे गई, कई खेड़ापति माता कई काय के मेरो काम बन जाए तो मैं सोने की बारी चढ़ जाऊंगा। बाजी नहीं पहले कानों में डाल, मैं पहले की कथा कह रहा हूं। हे महादेवी दुर्गा, हे खेड़ापति माता, अगर मेरो काम बन गो तो मैं बारी चढ़ो। काम बन गो माता राम, अब बारी बनवा ली। और बारी बनवा के संग में मोड़ी लेकर पहुंच गई, अपनी मोड़ी। जय महादेवी, मैंने कही थी कि मैं बारी चढ़े हूं, मुझ पर नाराज मत होइयो। जा बारी मैंने चढ़ा दी तो मेरा न मैया रक्षा राखियो। और जब हाल लगी, जब बोली बेटी माता के प्रसाद के लाने उठा ले, जब बारी तू उठा ले, बोली वृंदावन बिहारी तो सज्जनों घर के घर में आया। मैंने कहा गुरु जी, हमने लगत गैया दई है, हमने कौन दई है कि हमारी मोड़ी दई है, हमने हार हार। तो सज्जन बिंदु, महादेवी के दरबार पर जब समय नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उस समय उपदेश, अपना जो उपदेश था वो मातेश्वरी को श्रवण कराया। मातेश्वरी ने उसी समय अपने लक्ष्यों की, अपने वातावरणों को बद्रवाणी से जो समझाया। पर सज्जनों, उसी समय महामाया मातेश्वरी सुंदर सिंह के ऊपर विराजमान होकर के, और हिमाचल राजा और मैना के दरबार पर पहुंचते हैं। जय 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 गई भवानी भवन बहो, जय 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 जय
महादेवी की जो झलक थी, जो पलक थी, जो प्रकाश था, वो फैल गया। और दोनों हिमाचल राजा और मैना के शरीर के ऊपर बोता है, और उसी समय महादेवी का सुंदर बयान होता है। आइए अब इसके बाद महादेवी के दरबार पर, श्री हिमाचल राजा के दरबार पर देवी जी पहुंच चुकी हैं। इस महाप्रसंग में हमारे संगीत मास्टर से आप सुंदर एक भजन सुनिए, हर हर नर्मदे। तब तक आप थोड़ा सा